पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली ले मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर के दासा नूं और सारी आदर योग संगत नूं जय मसीह दी, जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारियां नूं आशीष देवे, बरकत देवे अज दे इस अच्छे दिन दे लई जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सानूं प्रदान किया आ। सब्बत दा दिन और अज दा दिन खास दिन है, इतिहासक दिन है। भारत देश दे लई असी सारे इस गल नूं जानदे हाँ कि भारत देश 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया मनुखां दी गुलामी तों। इसलिए ये दिन भारत देश दे लई इतिहासक दिन है। सो धरती ते शांति ट्रस्ट वलों आज़ादी दे शुभ मौके ते पंजाब भारत पूरे विश्व वासियां नूं बहुत बहुत मुबारक। सारी कलीसिया नूं भी खुदा बरकत देवे, वड्डी कृपा करे ते परमेश्वर अपनी दया नूं अपने लोकां दे उत्ते बहाल करे। जिस तरह परमेश्वर ने भारत देश नूं मनुखां दी गुलामी तों आज़ादी दित्ती है, उत्थे ही मसीह भाईचारा असल आज़ादी का भी आनंद माण रहा, जिहड़ी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु दे द्वारा संसार नूं पाप की गुलामी तो आज़ादी दित्ती। भारत देश नूं मनुखां की गुलामी तो आज़ादी मिली है, पर यीशु की कुर्बानी जिहड़ी है वह इंसान नूं पाप की गुलामी तो आज़ादी दिंदी है। इसलिए मसीह भाईचारा एक आज़ादी नहीं बल्कि दो आज़ादियां मना रहा है। खुदा आप सारियां नूं बरकत देवे, वड्डी कृपा करे, क्योंकि असल आज़ादी इंसान दे कोल उदों ही आउंदी है जदों इंसान हर तरह दीयां मुसीबतां तों आज़ादी महसूस करता है, हर तरह दीयां आफतां तों आज़ादी महसूस करता है। भावें भारत देश नूं आज़ाद होया बहुत लंबा समा गुजर गया, पर फिर भी असीं वेखदे हां कि इंसान किसी ना किसी समस्या च घिरिया रहिंदा, किसी ना किसी आफत दे विच घिरिया रहिंदा, गरीबी की मार हेठ इंसान जिंदगी बतीत करता है। क्योंकि असल आज़ादी इंसान नूं उदों ही मिलती आ जदों इंसान हर तरह के सरापां तों पूर्ण छुटकारा प्राप्त करता है। तो ये आज़ादी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी ही इंसान नूं प्रदान करती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार असी पुराने नियम के विच इस गल नूं पढ़दे हां कि परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा इजरायली लोगों नूं फिरौन की गुलामी तो आज़ादी तो दे दित्ती, पर उस तो बाद दे विच समां पा के फिर होर राजे उठे हुए, होर राजे उठे, पर वो गुलामी जिहड़ी आ इसे तरह बनी रही। असल आनंद उन्हां दे कोल आया नहीं, असल आज़ादी उन्हां दे कोल आई नहीं, असल शांति उन्हां दे कोल आई नहीं। यही कारण है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लोगों को असल आज़ादी देने दे लई परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं इस संसार दे उत्ते भेजिया, तां कि यीशु दी कुर्बानी दे द्वारा इंसान हमेशा दे लई हर एक सराप तो पूर्ण आज़ादी प्राप्त करे। इसलिए पुराने नियम के मुताबक भावें परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 10 हुक्म दे दिते, पर 10 हुक्मां दे विच इजरायली लोग वजे ना रहे, क्योंकि 10 हुक्म तो इस तरह सी वी जे एक हुक्म भी टुट गया तां वी मुसीबत जिहड़ी लागू आ, तां वी इंसान अपराधी गिणिया जांदा सी। मिसाल दे तौर ते असी 10 कड़ियां वाला संगल फड़िया होया आ, उपरों थले नूं लमकदा आ, असी उहनूं फड़िया होया आ,
जे एक कड़ी टुट जाए तो असी थले ही डिगांगे, जे दो टुट गई बोली जायो फिर, तो जे तीन टुट गई, तो जे चार, जे नौ टुट गई, तो जे एक टुट गई थले फिर भी डिगना ही है। इसलिए शरा जिहड़ी है वो इंसान नूं दोषी तां ठहराउंदी है और किते ना किते इंसान की जिंदगी च भुल आउंदी है। इसलिए वह शरा जिहड़ी आ इंसान नूं पूर्ण आजादी नहीं दिंदी सी। शरा दे नाल नाल ये ठहराया गया सी कि इंसान वरे दे वरे साल दे साल अपने अपराधा दे लई जानवर की कुरबानी दिती जांदी सी, एक साल दे पाप बख्शाउण दे लई, साल दे पाप बख्शाउण दे लई कुरबानी तां दिती जांदी सी, साल बाद फिर इंसान नूं कुरबानी देनी पैंदी सी वरे दे वरे। पर इंसान की जिंदगी चों बुराई जिहड़ी आ उदां ही कायम रहिंदी सी। इसे लई सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इक्को ही वार अपने पुत्र यीशु की कुरबानी दित्ती ताकि इंसान सदा दे लई बुराई तो गुनाह तो आजाद हो जावे। हुण असीं विश्वास दे द्वारा निश्चा दे द्वारा पापां दी माफ़ी प्राप्त करदे हां, हर शराब तो आजाद हुंदे हां ते हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनदे हां। इसलिए असली आजादी साडे कोल उदों ही आउंदी है जदों असी प्रभु यीशु मसीह ते ईमान ले आउंदे हां। भावें भारत देश नूं भी मनुखां दी गुलामी तो आजादी मिल गई पर फिर भी असी देखदे हां कि इंसान किते ना किते एक समस्या गरीबी के हालात च तरह तरह दीआं स्थितियां दे विच दी गुजर रहा है। असल आजादी जिहड़ी आ उह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपने पुत्र यीशु दे द्वारा इंसानां नूं प्रदान करता है। जदों सानूं आत्मक तौर पर आजादी मिलती है तो यह साडी हालत इस तरह की है कि जिस तरह एक सेब जिहड़ा आ जदों अंदरों पकदा आ उहदा जिहड़ा वाहला रूप है उहदा जिहड़ा वाहला रंग वा असी जानते हाँ कि अपने आप ही चेंज हो जाता है। सेब पकदा अंदरों आ, फल पकदा अंदरों आ, पर उहदा जिहड़ा वाहला रंग वा वाहला रूप आ आपे ही चेंज हो जाता। इस तरह जदों असी आत्मक तौर पर गुनाह तो बुराई तो आजाद होंगे तो यह शरीर के आने वाली समस्या तो सानू अपने आप ही आजादी मिल जाती है, चाहे वह बीमारिया की होवे, चाहे वह गरीबी की होवे, चाहे वह किसी होर तरह की होवे, पर जदों असी आत्मक तौर पर आजाद हो जाते हैं तो फिर शरीर के उत्ते आने वाली आफत मुसीबत गरीबी का शराप इन सारे शरापा तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा सानू आजादी प्रदान करता है। हाले लोई है, हाले लोई है। इसे लई विश्वास नाल प्रतीत दे नाल भरोसे दे नाल असी असल आजादी नूं प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा प्राप्त करते हाँ। जिहड़ा जिवें परमेश्वर दे वचन दे अनुसार असी पाक कलाम पढ़न दे लई जा रहे हाँ। खुदा तुहानूं सारिआं नूं आशीष देवे, बरकत देवे। साडी दुआ आ कि परमेश्वर भारत देश ते पंजाब स्टेट ते हर स्टेट दे उत्ते ते पूरे देश दे उत्ते पूरे संसार दे उत्ते अपनी रहमत नूं बहाल करे ताकि जिस तरह असी जिस्मानी शरीरक आजादी नूं मना रहे हां इस तरह हर एक इंसान चाहे वह पंजाब स्टेट च है चाहे वह भारत देश दे किसी भी स्टेट किसी कोने दे विच है चाहे वह संसार दे किसी कोने दे विच है हर एक इंसान असली आजादी नूं प्राप्त कर सके। पाप की गुलामी तो आजादी, शरापा तो आजादी, मौत के साए तो आजादी, फिर ही इंसान जीवन के असली आनंद नूं प्राप्त कर सकता है। इसलिए राजे आउंदे ने चले जाते ने पर इंसान की हालत उदां दी उदां ही रहिंदी है। भावें इंसान
इंसानों की गुलामी तो आजाद हो गया पर समस्या तो आजाद नहीं होया, परेशानियां तो आजाद नहीं होया, गरीबी के हालात तो आजाद नहीं होया, बीमारियां तो आजाद नहीं होया। तो जे आजादी मिलती आ तो वह यीशु की कुरबानी के जरिए मिलती है। तो साड़ी ये दुआ आ पंजाब लई, भारत लई, पूरे विश्व के लई, तो हर एक जन दे लई कि हर एक जिंदगी असली आजादी नूं प्राप्त करे जिहड़ी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु दे द्वारा सारी मानव जाति नूं प्रदान करता है। जिवें असीं पाक कलाम दे विच पढ़दे हाँ यहन्ना दी अंजील 8 अध्याय उहदी 31 ते 32 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुणिए। ये विश्वास दे द्वारा असीं माफ़ी पाउने हाँ, विश्वास दे द्वारा असीं चंगाई पाउने हाँ, ते विश्वास दे द्वारा असीं हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनदे हाँ, ते विश्वास दे द्वारा असीं असल आनंद नूं प्राप्त करदे हाँ। यहन्ना दी अंजील 8 अध्याय उहदी 31 ते 32 आयत पढ़िए फिर अगे चलांगे। हाँ जी, तां यीशु ने उहनां यहूदियां नूं जिन्हां उहदी प्रतीत कीती सी आखिया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतीत दे नाल विश्वास दे नाल असीं असल आजादी नूं प्राप्त करदे हां, ईमान दे नाल, निश्चा दे नाल। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां यहूदियां नूं जिन्हां ने उहदी प्रतीत कीती, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। प्रतीत जिहड़ी आ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, वचन ते खड़े होने दे नाल, वचन नूं मनन दे नाल, वचन ते प्रतीत करनी आ, ते वचन जो कहिंदा आ उहनूं अपनाउणा आ। जे तुसी मेरे वचन ते खलोते रहो, हाँ जी, तां ठीक तुसी मेरे चेले हो, ते ठीक तुसी मेरे चेले हो, ਅਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਓਨਲੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਸਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 32 ਆਇਤ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਯਹੰਨਾ 17:17 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹੱਸ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਕਰੋ ਪਰਤ ਲਿਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਤ ਲਿਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਨੀ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਉਹ ਪਰਤ ਲਿਥਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੱਪ ਸੱਪ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਚੁਸਤੀ ਆ, ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਰਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਕਰੋ ਪਰਤ ਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿਥ ਜਾਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਪਰਤ ਹੀ ਲਿਥਦੀ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਦਾ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਣਾ ਵੀ।
पर जदों उहदे शरीर तों परत लिथदी आ ना, लिथदे सारी फिर उह जमीन ते नहीं रहिंदा, लिथदे सारी आकाश विच उडारी मारन लग पैंदा है। ताली मारिए जोर दे नाल। मनुखां दी गुलामी तों आजादी मिल गई, समस्या उदां ही, परेशानियां उदां ही, गरीबी उदां ही, बीमारियां उदां ही, सब कुछ उसे तरह ही। पर जदों इंसान नूं यीशु मसीह दे द्वारा पाप की गुलामी तों आजादी मिलती है, फिर उहदे इंसान विच एडा वड्डा रूपांतर आउंदा जिड्डा वड्डा रेशम दे कीड़े दे विच आउंदा। जिद्दां ही उह पत्त चों बाहर आउंदा ते आकाश विच उडारी मारदा, एक मसीही जिंदगी दा चित्र है कि मसीही जिंदगी दे विच असली आनंद आ जांदा है, असली आशीष आ जांदी है, वह जीवन के असली अनुभव नूं प्राप्त करता है। इसे लई खुदा दा वचन इत्थे सिखाउंदा आ, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुणीए। सच्चाई जदों आजाद करती है इंसान, इंसान की सोच बदल जाती, विचार बदल जाते, वेखना बदल जाता, तुरना फिरना बदल जाता, इंसाना तो मंगण की बजाए फिर वो जिंदगी परमेश्वर वल हाथ उठाती है। हालेलुया। फिर किहदे वल हाथ उठाती जिंदगी? क्योंकि फिर वो दिमाग में प्रकाश मिल जाता कि असली मेरा मालक, मेरा सृजनहारा, मेरा परमेश्वर है। यमांदरू लंगा जिन्हों हैकल दे वाल छड के जाते, एक दिन पत्रस ते यहन्ना उतों की लंघे तो उन्हें लभण की आस नाल तकिया वे भी मैनु कुछ दे के जाणगे। वो कहिंदे सोना चांदी है नहीं साडे तो, क्यों? क्योंकि सोना चांदी तो उन्हों मिलता ही रहिंदा सी, सोना चांदी पा के भी वह फिर भीख मंगता ही, मिलता रहिंदा सी ते भीख फिर मंगता ही, भिखारी फिर सी। सोना चांदी लैन तो बाद भी जमांदरू लंगा फिर सी, सोना चांदी लैन तो बाद फिर उस जगह ते आके बहिंदा ही जिथे पिछले दिनों च बैठा सी, जिथे लंबे समय तो बहिंदा सी, रिश्तेदार साग संबंधी मोंडियां ते चक के उन्हों हर सब्बत ते हर उस दिन ते जदों इबादत का पीरियड आउंदा ही दिन आउंदा सी उत्थे बिठा के चल जांदे सी। सोना चांदी आउण दे बावजूद भी ना उन्हें भीख मंगनी छड्डी, ना उन्हें वह जगह छड्डी, ना उन्हें मनुखां अगे हाथ अड्डणे छड्डे ते ना वह चल सकिया। आ गया सारा कुछ आउंदा रहा, पर फिर भी वह भिखारी दा मंगते दा मंगते ही, लंघे दा लंघा ही चल नहीं सकिया। पत्र ते यहन्ना नूं भी तकिया कुछ लभण दी आस नाल, वह कहिंदे सोना चांदी नहीं साडे कोल, साडे कोल एक नाम हैगा, साडे कोल यीशु मसीह दा नाम है। सोना चांदी है नहीं गा, साडे कोल यीशु मसीह दा, यीशु मसीह दे नाम च कहने उठ के खड़ा हो जा, कलाम च लिखिया उहदे गिट्टे ते गोडे तकड़े हो गए। फिर लिखिया कुद दा होया, कुद दा छाला मारदा, रब दी वड्याई करदा, उन्हां दे नाल हैकल विच चला गया। कित्थे चला गया? ये पहला दिन सी, ताली मारिए जोर दी दा, ये उहदा पहला दिन सी हैकल च जाना, ये पहला दिन सी जगह छड्डनी, ये पहला दिन सी असली नाम उहदे कोल आया, ये पहला दिन सी जिहड़ा सोने चांदी तो भी उत्तम कीमती हीरा यीशु मसीह मिल गया, ये पहला दिन सी। ते हैकल च जाके फिर खुदा दे अगे हाथ अड्ड के उहदा धन्नवाद करदा, उहदी उपासना करदा आ। हुण तुसीं आपे ही कल्पना करके देख लो, आप ही विचार करके देख लो, बे हैकल चों बाहर आके फिर उत्थे बैठा हो,
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬੈਠਾ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਾਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ, ਅਸਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਦ ਦਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਲਿੱਥ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਦਾ ਸੱਪ, ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ, ਤੀਏ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 32 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿੱਥੇ 8:32 ਪੜ੍ਹੀ ਆ, 17:17 ਪੜ੍ਹੋ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਐਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ 1 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵਚਨ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸਾਂ ਉਸਦਾ ਤੇਜ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇਜ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਦੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਝੱਟ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇ
ते साड़ियां मुश्किलां दा हल, साड़ियां परेशानियां दा हल, सानू मनुखां दी गुलामी तो आजादी देवे, समस्या तो आजादी देवे, जुलम तो आजादी देवे। इसलिए उस शब्द देहधारी हो के कृपा ते सच्चाई ना भरपूर हो के उन्हें साडे विच वास कीता, जिहदे बारे खुद कलाम असी पढ़ रहे हाँ, सच्चाई नू जाणोगे तां सच्चाई तुहानू आजाद, उहदा वचन ही सच्चाई आ ते वचन ही देहधारी होया। अगे इसे दी तेती आयत पढ़िए, यहन्ना दी अंजील 8 अध्याय उहदी 33 आयत। हाँ जी, उन्हां उत्तर दित्ता, उन्होंने उत्तर दिता कि असी अब्राहम दी आंस हांगे, हाँ, और कदे किसी दे गुलामी विच नहीं रहे। लो जी, जेड़ा बंदा शरीरक आ शरीरक गल्लां ही करेगा, जेड़ा आत्मक आ आत्मक गल्लां करेगा। प्रभु कहिंदा तुसी आजाद होवोगे, ते ओह कहिंदे असी तां गुलाम रहे नहीं किसी दे। की कहिंदे आ, असीं तां गुलाम रहे नहीं। ये हालत इदां दी आ, जे अज किसे बंदे नाल गल करो, भाई पापां दे कारण समस्या आ, बीमारियां आफतां, वह भी मोहरों कहिंदा पाप तां जी कोई कीता नहीं कदी, इहदे जवाब मिल जांदा। यही गल जदों बंदा शरीरक है, वह शरीरक सोचना ही गल करता है, प्रभु स्पिरिचुअल आजादी की गल करता है। ते पर इत्थे वह की कहिंदे, असी तां रहे नहीं किसी के गुलाम, अही अब्राहम दी अंशां ते असी किसी की गुलामी। अगे पढ़िए, तू किकर आखदा है जो तुसी याद कीते जाओगे। हाँ भाई, तू किस तरह आखदा याद कीते जाओगे। हाँ, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, लो जी ध्यान ना सुनिए, हाँ, मैं तानू सच सच आखदा हाँ, मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ, कि हरेक जो पाप करदा है, हरेक जो पाप करदा है, सो पाप दा गुलाम है। हाँ, ये है असल गुलामी। मनुखां दी गुलामी तो आजादी मिल गई, पर समस्या उदा ही, परेशानी उदा ही, श्राप उदा ही, मुसीबत उदा ही। ये असल गुलामी आ। फिर पढ़िए, ध्यान ना सुनिए। हाँ जी, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ, मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ, कि हरेक जो पाप करदा है, हरेक जेड़ा पाप करदा है, सो पाप दा गुलाम है। पाप दा की है? गुलाम है। इस गुलामी तो आजादी देन दे लई यीशु मसीह आया। ताली मारिए जोर दे दा, पाप दी गुलामी तो। वह अपने लोगों उन्होंने पापा तो छुटकारा देवेगा, तू वह ना यीशु रखी। जो पाप की गुलामी तो आजादी मिलेगी, हर तरह दियां समस्या तो आजादी मिल जाएगी। हर एक जड़ा पाप करता, सो पाप का की है? गुलाम है। हाँ जी, अते गुलाम सदा घर विच नहीं रहिंदा। हाँ, जड़ा गुलाम है वह सदा घर विच अगे। हाँ जी, पुत्र सदा रहिंदा है। हाँ, पुत्र सदा ही घर च रहिंदा, पुत्र मालिक है। गुलाम का मतलब नौकर, गुलाम का मतलब की है? नौकर है। वह किसी चीज का हकदार नहीं गा। इत्थे गुलाम ते नौकर दी गल आ गई, गुलामी दी गल आ गई। जिहदी तुसीं गुलामी च रहिंदे हो, उहदी किसे चीज़ दे हकदार नहीं गे तुसीं। जिहदे तुसीं पुत्तर हो, उहदियां सारियां चीज़ां दे हकदार हो। हरेक जिहड़ा पाप करदा, सो पाप दा गुलाम है। अगे, अते गुलाम सदा घर विच नहीं रहिंदा। अगे, पुत्र सदा रहिंदा है। पुत्र सदा घर विच रहिंदा है। इसलिए जे पुत्र तुहानू आजाद करे, इसलिए जे पुत्र तुहानू आजाद करे, तां ठीक तुसी आजाद होवोगे। हालेलुया।
जे पुत्र तुहानू आजाद कर देवे तां ठीक तुसी आजाद हो। प्रभु यीशु मसीह की कुरबानी इंसानू पाप तो आजादी दिंदी है, हर तरह के सरापा तो आजादी दिंदी है। इसलिए मेरे भाई भैनों, जिथे अज भारत देश मनुखां दी गुलामी तो आजादी का जश्न मनाउंदा है, उत्थे मसीही जिंदगी दे विच असल आजादी है कि यीशु दी कुरबानी दे द्वारा इंसान नूं पाप दी गुलामी तो आजादी मिलदी है। यीशु दी कुरबानी इंसान नूं हर तरह के सरापां तो आजादी ते छुटकारा प्रदान करदी है, क्योंकि दूसरा करिंथिया 3 अध्याय उहदी 17 तो पढ़िए, ध्यान दे नाल सुणिए। हुण ओ प्रभु ता आत्मा है। हाँ, प्रभु ता आत्मा है, तेरा वचन सच्चाई है। वचन जानोगे, वचन तुहानू आजाद करेगा। वो सच्चाई है, वो शब्द देहधारी होया। हुण प्रभु ता आत्मा है। हाँ, और जिथे किते प्रभु दा आत्मा है, जिथे किते प्रभु दा आत्मा आ, उथे ही आजादी है। हालेलुया, उथे असल आजादी है, असल आनंद है, असल छुटकारा है, जिथे किते भी प्रभु दा आत्मा है। जिस जिंदगी च पवित्र आत्मा दी आशीष है, वह हर तरह के सरापा तो आजादी प्राप्त करता है। और प्रभु यीशु मसीह संसार ते इसे लई आए ता कि सानू पूरन छुटकारा ते आजादी प्रदान करन। गलातिया दी पत्री 5 अध्याय उहदी 1 आयत पढ़िए। आजादी लई मसीह ने सानू याद कीता। आजादी दे लई प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन दी कुरबानी दे के सानू आजाद कीता या, ताकि असी आजादी ना खुदा की उपासना करिए। मूसा दे द्वारा इजरायली लोगों नू किन्हां नू आजाद कर दे मेरी उपासना करन। आजादी दे लई मसीह ने सानू आजाद कीता या। अगे, इसलिए दृढ़ रहो। इसलिए दृढ़ रहो, मजबूत होवो, तकड़े होवो, अपने मना नूं पक्कियां करो, अपने विश्वास नूं स्थिर करो। कोई समस्या, कोई हालात स्थिति आ गई है, अपने विश्वास नूं कमजोर ना होण दिओ। सज्जे खब्बे आले दुआले ना देखो, ना ध्यान करो। तेरियां अखां नक दी सीधे वेखदियां रहन, तेरियां पलकां अगे नूं लगियां रहन। आजादी लई प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की कुरबानी दे के सानू आजाद किया है। इसलिए परमेश्वर का जन पराइया कौमां लई ठहराया गया नवी बयान करदा, दृढ़ रहो, तकड़े होवो, अपने मना नूं तकड़िया करो कि बेप्रतीते दे विचारां दा तुहाडी जिंदगी ते कोई असर ना होवे। कोई दुख आ गया, कष्ट आ गया, मुसीबत आ गई, कुछ हो गया, इदां दा ना होवे कि बेप्रतीते दे विचार तुहाडे ते हैवी हो जाण। अपने मना नूं तकड़िया करो, दृढ़ करो, मजबूत करो, चट्टान वांग अपने विचारां नूं बनाओ। जिस चट्टान दे उत्ते पानी दा, तीर दा, तलवार दा, गोली दा, अग दा, किसे चीज दा असर नहीं हुंदा। दृढ़ दा मतलब अपने मना नूं मजबूत करो, तकड़िया करो, बेप्रतीतियां दे विचारां दा तुहाडी जिंदगी ते असर ना होवे, बल्कि तुहाडे शुद्ध विचारां दा बेप्रतीतियां दी जिंदगी ते असर होवे, ते ओह वी प्रतीत करन लग पैण। ताली मारिए जोर दे नाल। ऐदां दृढ़ बनो, ऐदां अपने मनां नूं तकड़िया करो। आजादी लई प्रभु यीशु मसीह ने सानू आजाद किया आ। अगे लिखिया, दृढ़ होवो, तकड़े होवो, अपने मना नूं तकड़िया करो। जे साडा घर तकड़ा बन गया ते जे साडा मन ही कमजोर रहा, वो तकड़ा घर 4-5 मंजिला घर जिहड़ा सानू मुक्ति नहीं दवा सकता।
ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਾਫੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਗਏ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਟਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 12 ਦੇ ਆਏ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਉਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਪਤਰਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਲੀਸੀਆ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਲੀਸੀਆ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਇਹ ਆ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਓਡੇ ਤਕੜੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਬਦਨਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਂ 7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਇੱਥੇ 4 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਏ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ 5 ਅੱਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂੜੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੁੱਪੋ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂੜੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ
बेपरतीतियां दियां गल्लां च ना आओ, सज्जे खब्बे दियां गल्लां च ना आओ, निराशा वालियां गल्लां च ना आओ। अपने गुरु नूं वेखो, तुहाडियां अखां उहनूं तकदियां रहण, तुहाडियां पलकां अगे नूं लगियां रहण, ना तुसीं सज्जे मुड़ो ते ना खब्बे मुड़ो। मुड़ के जिथों आजाद कर दिता, जिथों परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु दे कुरबानी दे द्वारा सानू कढ़िया आ, दृढ़ताई दे नाल असीं खड़े रहिए, चलते रहिए अगे। फिर पढ़ दईए, आजादी लई मसीह ने सानू याद किया, हाँ इसलिए दृढ़ रहो, हाँ अते गुलामी दे जूले हेठा मुड़ के ना जुपो, हाँ मुड़ के पिछा मुड़ के ना वेखो, बल्कि परमेश्वर दे वचन नू वेखो। परमेश्वर दे वचन दे अनुसार अपनी जिंदगी बतीत करो ते वो अपनियां प्रतिज्ञा तुहाडे जीवन च पूरियां करेगा। वो तुहानू दूसरियां दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। इसलिए अपनी आजादी नू अपनी जिंदगी च बनाई रखो, अपने विश्वास नू अपनी जिंदगी च बनाई रखो और अपने विश्वास नू वधाओ। तुहाडा विश्वास चट्टान वर्गा बन जावे, मजबूत हो जावे। स्थितियां हालात तुहानू हिला ना सकन, स्थितियां हालात तुहानू कमजोर ना कर सकन। इसलिए दृढ़ रहो, मजबूत रहो, वधदे चले जाओ, तकड़े होवो परमेश्वर दे वचन दे विच। अपनी जगह ना छड्डो जिथे खुदा ने तुहानू चुन लिया, खड़े कीता आ। क्योंकि पहले आदम की समस्या यही सी, जदों परमेश्वर उन्हों मिलन वास्ते आया, जिथे अमृत वेले रोज ठंडे वेले उन्हें आके गल्लां करदा सी, परमेश्वर कहिंदा आदम आदम तू कित्थे है, उत्थे है नहीं सी जिथे रोज मिलन लई आउंदा सी। वो अग्गियों जवाब दिंदा, मैं तेरी आवाज सुन के डरिया। उन्हें वो जगह छड्ड दित्ती, भरमाया गया तुसी रब वर्गे बन जाना। वो शैतान दी चलाकी च आया, तुसी रब वर्गे बन जाना। रब वर्गे तो नहीं की बनना सीगा, वो बंदे भी नहीं रहे, वो रब दे अगे खड़े होण जोगे भी नहीं रहे। कई बार स्थितियां हालात सानू इन्ना गुमराह कर देंदे आ, तुसी इन्ना चिर हो गया जांदियां नू, तुसी इन्ना चिर हो गया जांदियां नू, काला पाना रखिए, धीरज रखिए। जे सैलरी मालक ने कहा महीने बाद मिलनी है, तो तुसी 25-26 दिन लाते आ, तो तुसी एवी चलाई जाओ, एवी रौला पाई जाओ, तो मालक ने तो अपना फिर एक कंपनी ने तो रखिया भी 30 दिन बाद तुहानू सैलरी मिलनी है, तो तुसी एवी टपूसियां मारी जाओ, एवी सज्जे खब्बे दौड़े फिरो। मेरे जी 25 दिन हो गए, 25 दिन का तो मालक नू भी पता ही आ, तुहाडे 25 दिन हो गए आ, वह तो देखता है भाई कदों 30 दिन हो। तो जदों 30 दिन हो गए तो तुहाडा हिसाब किताब पूरे महीने का तुहानू आपे ही मिल जाना। ये तो हैगी थल्ले बंदियां दी गल, पर मैं कई बारी दस चुका कि उपर वाला तो तुहाडी एक पाई का भी एक पल का भी हिसाब नहीं रखेगा। ताली मारिए जोर देना, वो तुहानू तुहाडियां मेहनतों का फल देवेगा, तुहाडी दौड़ भज का फल देवेगा, तुहाडे दुख तकलीफा उठाउण दा तुहानू अजर देवेगा। पर जरूरी आ कि असीं अपनी आजादी नूं बरकरार रखिए। जे खुदा ने सानूं आजाद कीता अपने पुत्र यीशु दे द्वारा, तो असीं दृढ़ रहिए। दृढ़ रहोगे तो हजारां लखां ते करोड़ां लई बरकत दा कारण बनोगे। परमेश्वर अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करेगा। इस लई अति ज़्यादा जरूरी आजादी दे भेत दा आनंद प्राप्त करिए। खुदा दा धन्नवाद शुकराना करदे हो उहदी महिमा करदे रहिए, ते परमेश्वर अपनियां रहमतां बहाल करेगा। सानू तां खुदा ने असल आजादी दे दित्ती है, ये तो साल बाद मनाउने आ, पर खुदा ने सानू हमेशा हमेशा लई आजादी दित्ती है। ताली मारिए सर ते। इसलिए इस आजादी नूं अपनी जिंदगी च बनाई रखो, विश्वास नूं तकड़िया करो। अखां बंद करांगे। सर्वशक्तिमान पिता जिन्हें तेरी हजूरी च आ गए आ, इन्हां सारियां ते तुहाडी आशीष हो, आने वाले समय भले हों, तेरे आत्मा की वड्डी आशीष प्रगट होवे, शरीरां दी तंदुरुस्ती मनां दी शांति प्रदान करो, ते सारियां गल्लां च तुहाडी महिमा होवे। ए दुआ सुनो प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हाँ, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर
इस आजादी के शुभ मौके पर आप सारियां नूं आजादी दियां बहुत बहुत मुबारकां।